अब देखो, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक चालक और दूसरी कुचालक। चालक कौन सी वस्तुएं होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो आसानी से विद्युत का चालन होने देती हैं, उनको हम चालक वस्तुएं कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जो विद्युत के चालन का विरोध करती हैं, उनको हम लोग कुचालक वस्तुएं कहते हैं। चालक वस्तुएं जैसे धातुएं, धातुएं चालक होती हैं, और कुचालक वस्तुएं जैसे कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, एबोनाइट, ये सब कुचालक हैं। ये चालक क्यों होती हैं बताओ जरा? ये चालक इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये कुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। अब हमारे पास में ये दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं, इनको आवेशित कैसे किया जाए? इनको आवेशित करने की हमारे पास में तीन विधियां हैं। एक है घर्षण के द्वारा आवेशित करना, दूसरा है चालन के द्वारा या टच करके, मतलब स्पर्श के द्वारा आवेशित करना, और तीसरा है प्रेरण के द्वारा आवेशित करना, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। तो इस घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि घर्षण करने के कारण से ताप उत्पन्न होता है, और ताप उत्पन्न होने के कारण से ऊर्जा मिलती है। तो वो ऊर्जा किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉनों के लिए पर्याप्त होती है, और वो उस वस्तु के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो बाहर निकाल के कहाँ जाएगा? दूसरी वस्तु जो उसके संपर्क में है उस पर आ जाएगा। इस तरीके से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, और इस तरह से जो आवेशन होता है उसको हम लोग घर्षण विद्युत कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और उनको रगड़ने से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, तो इसको हम घर्षण विद्युत कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा था कि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ रहे थे, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे गए, ठीक है, इतना ही तो हुआ ना। तो दोनों वस्तुओं पर जो आवेश आएंगे वो दोनों मान समान होंगे। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो तो धनावेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो ऋणावेशित हो जाएगी। जैसे कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। तो कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को हम लोग आपस में रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ पर तो धनावेश आता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर गए होंगे, ठीक। इसी तरीके से जब हम लोग उन्हीं कपड़े को एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ से रगड़ते हैं, तो उन्हीं कपड़े पर तो धनावेश आता है, और एबोनाइट या प्लास्टिक की वस्तु पर या उसकी छड़ पर ऋणावेश आता है। इसका मतलब उन्हीं कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट पर चले गए होंगे, तो आवेश आएंगे दोनों बराबर परिमाण के आएंगे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और वो ये हैं कि आवेश आता कहां पर है। आवेश संपर्क बिंदु पर आता है। जैसे मान लो हम लोग कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो यहां पर तो हम लोग एक ही पॉइंट पर इन दोनों को रगड़ रहे हैं, और यहां पर हम लोग इस तरीके से रगड़ रहे हैं कि जो संपर्क बिंदु है वो ज्यादा है, ठीक है, मतलब ज्यादा अधिक क्षेत्रफल पर हम लोग इसको रगड़ रहे हैं। तो अब चांस ये कि यहाँ तो इतने से क्षेत्रफल या इतने से संपर्क बिंदु से ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा क्योंकि संपर्क क्षेत्रफल का मान बढ़ गया है। इसका मतलब है संपर्क क्षेत्रफल बढ़ेगा, संपर्क क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आवेश का मान बढ़ेगा। ये हमारे लिए काम की चीज है। अब देखो, संपर्क क्षेत्रफल बढ़ाने पर आवेश का मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांच की छड़ को यदि हम पूरा लपेट लेते हैं रेशम के कपड़े से तो बहुत ज्यादा आवेश का मान आ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। दर्शन की स्थिति में आने वाले आवेश का मान बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। यहां पर तो हम लोग खाली इन दो स्थितियों की तुलना करें कि इन स्थितियों में यहां पर आवेश का मान इसकी तुलना में ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम सामान्य बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि घर्षण के कारण से जो आवेश आता है वो बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही होती है वो खाली उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल पाती है जो बहुत ही कम आकर्षण बल के द्वारा नाभिक से जुड़े हुए हैं। तो घर्षण के कारण आवेश कम मात्रा में या अल्प मात्रा में ही उत्पन्न होता है। तो यहां पर हमने कांच की छड़ ले रखी थी और रेशम का कपड़ा ले रखा था। इसकी जगह पर यदि हम लोग एक लोहे की छड़ ले लेते हैं और इसको हम लोग
हाथ में पकड़कर खड़े रहते हैं और इसको हम लोग अब रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, इस छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो छड़ पर आवेश आएगा। अब वो जैसा भी आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। अब ये जो आवेश है ना, मान लो यहाँ पर कोई आवेश आया किसी तरीके से, मान लो ये आवेश धन आवेश आया, तो ये जो आवेश है ये आवेश इस छड़ से होते हुए हमारे तक आएगा और हमारी जो बॉडी है ये विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। तो ये आवेश हमारे में से होते हुए पृथ्वी पर चला जाए। इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो छड़ है ना, इस छड़ पर कोई भी आवेश नहीं आएगा। तो लोहे की छड़ को या किसी और धातु की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो लोहे की छड़ पर आने वाले आवेश का मान जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वो आवेश तो ट्रांसफर होके पृथ्वी में चला गया। इसलिए तांबे की छड़ को रेशम या किसी और कपड़े से रगड़ने पर छड़ पर आवेश तो आता है, लेकिन वो आवेश हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी में चला जाता है। इस कारण से तांबे की छड़ पर आवेश शून्य हो जाता है। दूसरा है चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। जैसे हमारे पास में ये कोई वस्तु है जिस पर धनावेश है और ये कोई वस्तु है जिस पर कोई आवेश नहीं है, ये अनावेशित है, ठीक है। तो या तो इसको आवेशित वस्तु के साथ तार से जोड़ दिया जाए, या फिर यह कर दिया जाए कि इन दोनों वस्तुओं को आपस में इस तरीके से हम लोगों ने टच कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि जो वस्तु आवेशित होती है उस वस्तु से अनावेशित वस्तु में आवेश का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, यानी कि इस वस्तु से इस वस्तु में आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। और ऐसा ही इसमें भी हो रहा होता है, ठीक है। अब ये हमेशा नहीं हो रहा होता, ऐसा नहीं है कि ये वस्तु पूरी तरीके से खाली हो जाएगी और ये भर जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है क्या है कि इस आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव बराबर नहीं हो जाते। अब विभव के बारे में हम लोग इतना नहीं जानते, खाली इस शब्द को हम लोगों को याद कर लेना है, जब टॉपिक आएगा तब हम लोग विभव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए तो ये कि आवेश तभी तक स्थानांतरित होता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर खाली धनावेश के बात ही नहीं है, ऋणावेश होता तो भी यही होता। हमारे पास में मान लो ये कोई वस्तु है जिस पर ऋणावेश है, ठीक है, और ये कोई वस्तु है जो अनावेशित है, इसको हम लोगों ने संपर्क में कर दिया, तार के द्वारा जोड़ दिया, या फिर इस तरीके से हम लोगों ने इनको डायरेक्ट संपर्क में कर दिया, तो भी यही होगा। तो भी यहां से ऋणावेश अनावेशित वस्तु में चला जाएगा, लेकिन पूरा नहीं जाएगा। देखो दोनों स्थितियों में पूरा नहीं जाने वाला, ये बात समझ में। अभी तो क्या होगा कि यदि ये दोनों गोले मान लो बराबर आकार के हैं तो आंखें में दोनों गोलों पर बराबर बराबर आवेश आ जाएगा। अच्छा, इस पर प्लस है तो कौन सा आवेश स्थानांतरित हो रहा है, प्लस वाला, तो इस अनावेशित वस्तु कैसे होगी, वो धनावेशित हो जाएगी। इसी तरीके से इस पर माइनस है तो कौन सा आवेश इधर जाएगा, माइनस वाला ही जाएगा, तो ये जो अनावेशित वस्तु है वो कैसी हो जाएगी, वह ऋणावेशित हो जाएगी। यहां पर ये कैसी हो जाती, धनावेशित। यानी कि जब हम चालन या संपर्क के द्वारा आवेशन कर रहे हैं तो समान प्रकार का आवेश स्थानांतरित होता है। तो हम लोग संपर्क द्वारा आवेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में से एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरित करने को संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। यहां पर कुछ काम की चीजें हैं जिनको हम लोग लिखते हैं। पहला, दो वस्तुओं में आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं आते। दूसरा, आवेश किधर से किधर जाता है, धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है और ऋणावेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। धनावेश तो कहीं जाता नहीं है, देखो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक, धनावेश कहीं नहीं आता। बस ऐसा होता है कि धनावेश के जाने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में आ रहे हैं। जैसे मान लो ये ऐसा होता, जैसे हम लोग इसको यही समझ लेते हैं कि ये हमारे पास में दो वस्तुएं, इस पर धनावेश है और हमने क्या बोला कि धनावेश बाएं से दाएं तरफ चला गया। अब इसका मतलब ये है कि ऋण आवेश इस वाली वस्तु से दाएं से बाईं तरफ आया था, मतलब इलेक्ट्रॉन दाएं वाली वस्तु से बाईं तरफ आया था और उसके बाद में ऐसा हुआ था कि दोनों के विभव बराबर हो गए थे, तब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई इसलिए यह वस्तु धनावेशित हो गई, ऐसा एक्चुअल में हो रहा था। इसी तरीके से जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास में ऋणावेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है,
तो जब हम लोग इसको तार के द्वारा जोड़ते हैं तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन खुद गति करने के लिए स्वतंत्र है भाई, यहाँ पर तो धनावेश थोड़ा ना गति करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर से दाई तरफ से बाई तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन खुद ही गति करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाई से दाई तरफ आएंगे, है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आते हैं कि दोनों के विभव बराबर हो जाए, तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो ये वस्तु धनावेश हो जाएगी, नहीं, इनकी स्थिति कुछ इस तरह से होगी कि दोनों पर समान प्रकार का आवेश आएगा और दोनों के विभव बराबर हो जाएंगे। तीसरा, यदि अपने पास में दो समान प्रकार के चालक गोले हैं, इनमें एक पर Q1 आवेश है और दूसरे पर Q2 आवेश है, मान लो अपने पास ये चालक गोला है, इस पर कैसा आवेश है Q1 और इस पर कैसा आवेश है Q2, जिनके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, जब इनको हम आपस में तार के द्वारा जोड़ देते हैं तो संपर्क करने पर एक चालक गोले से दूसरे चालक गोले में आवेश जाएगा, ठीक है, तो वह इस तरीके से जाएगा कि दोनों पर विभव का मान बराबर हो जाए, तो जो फाइनल आवेश आएगा वह फाइनल आवेश दोनों वस्तुओं पर या दोनों चालकों पर बराबर आएगा। उस फाइनल आवेश का मान कितना होगा? उस फाइनल आवेश का मान होगा Q = Q1 + Q2/2। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यदि समान आकार के दो चालक गोले हैं जिन पर आवेश Q1 और Q2 है, तो इनको आपस में संपर्कित करने पर आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा और अंत में दोनों चालकों पर समान आवेश उत्पन्न हो जाएगा। उस आवेश का मान किसे दिया जाएगा? इस वाले फॉर्मूले से दिया जाएगा। इसमें Q1 और Q2 का मान प्लस माइनस जैसा भी है चिन्ह सहित रख देना है। अब तीसरा है प्रेरण के द्वारा आवेशन। हम लोग के पास में कोई एक चालक है, इसके पास में कोई दूसरा चालक हम लोग ले आते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये अभी अनावेशित है और ये आवेशित है, ठीक है, इन दो चालकों को जब हम पास में लेकर आते हैं तो इस आवेशित चालक का प्रभाव इस पर पड़ता है। ये प्रभाव कुछ इस प्रकार का होता है कि इस चालक के नजदीक वाली सतह, नजदीक वाली सतह मतलब ये वाली सतह, इस पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है और इसके दूर वाली सतह मतलब इधर वाली सतह, इस पर समान प्रकार का आवेश आ जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण से आ रहा था? इस वाले के कारण से आ रहा था, हम लोगों ने इसको टच नहीं किया, बस इसको हम लोग इसके पास में लेके आए, अनावेशित गोले को आवेशित गोले के पास में लेके आए, तब ऐसा हो रहा है। इस प्रकार के आवेशन को हम लोग प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। जब हम लोग इसको दूर लेके चले जाएंगे तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और वापस से ये निरावेशित हो जाएगी, क्योंकि निरावेशित ही एक्चुअली, देखो टोटल यहाँ पे जितना आवेश होगा उतना ही आवेश इस तरफ होगा, बस ये है कि ये वाला हिस्सा नजदीक वाले सतह पर विपरीत प्रकार का आवेश आ रहा है और दूर वाली सतह पर समान प्रकार का आवेश हो रहा है। अब डिटेल में इसको हम लोग थोड़ी देर बाद समझते हैं, फिलहाल इतना है कि जब हम इसको पास में लेकर आएंगे तो इस तरह की प्रेरण की प्रक्रिया हुआ करती है, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं कि जब किसी आवेशित चालक को मतलब ये को अनावेशित चालक मतलब ये कि बहुत नजदीक लाया जाता है ना, कि बहुत नजदीक लेके आएंगे, तो अनावेशित चालक के मतलब इसके आवेश चालक के नजदीक वाली सतह पर, किस पर? नजदीक वाली सतह, तो ये इसकी नजदीक वाली सतह है, उस पर विपरीत प्रकार का आवेश प्रेरित हो जाता है। और इसी प्रकार से दूर वाली सतह पर, दूर वाली सतह इसकी कौन सी हो जाएगी? ये वाली सतह इससे दूर है, दूर वाली सतह पर समान प्रकार का आवेश प्रेरित हो जाता है, इसको हम लोग विद्युत प्रेरण कहते हैं, या इसी को हम लोग प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। अब इसकी जगह पर यहाँ पर तो हम लोगों ने धनात्मक वस्तु ली थी, अब यदि हम लोग ऋणात्मक आवेशित वस्तु लेंगे तो कैसा होता है? जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इस पर ऋण आवेश है और इसके पास में हम लोगों ने दूसरी कोई अनावेशित वस्तु रख दी, ये भी अनावेशित है, ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि नजदीक वाली सतह पर विपरीत प्रकार का आवेश प्रेरित होगा। अब इसकी नजदीक वाली सतह कौन सी है? ये वाली, ये नजदीक वाली सतह है, तो उस पर कैसा आवेश प्रेरित होना चाहिए? धनात्मक, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेशित वस्तु है। और दूर वाली सतह पर कैसा आवेश आना चाहिए? समान प्रकार का, तो ये है दूर वाली सतह, तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा? समान प्रकार का आवेश, यानी कि इस तरफ ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। हम लोग कुछ स्टेप्स लिखते हैं जिसमें इस वाले उदाहरण को हम लोग समझेंगे, और इस उदाहरण को हम लोग खुद करके देख लेना, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अनावेशित वस्तु को ऋणावेशित कर रहे हैं, ठीक है, देखो क्या स्टेप्स होंगी। तो अनावेशित चालक को प्रेरण द्वारा आवेशित करना, लो ऋणावेश दे रहे हैं, तो ऋणावेशित करने के लिए
दूसरी वाली वस्तु कैसी होनी चाहिए? धनापेक्ष। ठीक है, तो हमारे पास में मान लो पहली स्टेप में दो गोले हैं जो कोई कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं, और दोनों गोले काफी दूर हैं। ये धनावेशित है, उस पर अभी कोई आवेश नहीं है। ठीक है, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं बी नाम दे देता हूं। ये मेरी पहली स्टेप है। अब मैं इसको मतलब बी गोले को ए गोले के पास में लेकर आऊंगा। जब बी गोले को ए गोले के पास में लेकर आते हैं तो बी पर ए का प्रभाव पड़ता है, मतलब इसका धनावेश इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जब आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो इस चालक गोले पर चलने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर सब तरफ से इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर इस वाले हिस्से में इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इस वाले हिस्से में इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पर ऋणावेश आ जाता है, और क्योंकि इस वाली जगह से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं और ये इधर इकट्ठे हो चुके हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इसलिए इस तरफ धनावेश आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेश आना। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, इस हिस्से को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यहां पे तो ये भू संपर्कित नहीं था क्योंकि प्लास्टिक का स्टैंड लगा रखा है ना, तो ये आवेश कहीं पर भी नहीं गया, बस ये इसी चालक गोले के ऊपर है। जब हम लोग इस वाले हिस्से को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला धनावेश पृथ्वी में चला गया। होता तो ये है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इतनी पर्याप्त संख्या में आते हैं कि इन धनावेशों को उदासीन कर दें, होता तो ये है, लेकिन बोलने में हम लोग ये बोलते हैं कि ये धनावेश पृथ्वी में चला गया। ठीक है, अब अगली स्टेप में हम लोगों ने अभी इस भू संपर्कन को हटाया नहीं है, इसको जोड़े रखा है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि इधर का धनावेश तो पृथ्वी में चला गया, या फिर ये बोल दो कि इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकलकर यहां पर आ गए थे और यहां के आवेशों को उदासीन कर दिया था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तार से गति करके पृथ्वी में नहीं जा पाते, है ना, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों को इस चालक गोले के धनावेश ने अपने आकर्षण बल के कारण से बांध रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस तार को काट देते हैं। अभी भी वो की वही स्थिति है, क्यों? क्योंकि अभी भी इन इलेक्ट्रॉनों को इस चालक गोले ने रोक रखा है, यहां पर भी तो यही कर रखा था। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इस गोले को यानी कि बी को ऐसे दूर लेके जा रहे हैं जैसे पहले था वैसे लेके जा रहे हैं। जब हम बी को इससे दूर लेके चले जाएंगे तो इसका प्रभाव तो कम हो जाएगा या हट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसका प्रभाव कम होने के कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में प्रतिकर्षण के कारण से इस चालक गोले पर पूरे चालक गोले पर एक समान रूप से फैल जाएंगे। तो इस तरीके से यह वस्तु अब कैसी होगी, ऋण आवेश। पहले ये वस्तु कैसी थी भाई, उदासीन, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं था, शून्य आवेश था इस पर। अब ये वस्तु ऋण आवेशित हो गई है। तो ये स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करनी है या लिखनी है जब भी हम लोगों को पूछा जाएगा कि आवेशित चालक को प्रेरण के द्वारा ऋणावेशित कैसे करेंगे। यदि हम लोगों को इसको धनावेशित करना है तो यहाँ पर हम लोगों को ऋणावेशित गोला काम में लाना पड़ेगा और इन्हीं स्टेप्स को हम लोगों को वन बाय वन लिखना पड़ेगा। तो जो मैंने बोला है इसको वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लो। अब इसमें बहुत ही काम की चीज है, वो ये है कि देखो हम लोग अनावेशित वस्तु को आवेशित कर रहे थे। ठीक है, तो जो वस्तु आवेशित कर रही है जैसे ये, इस आवेशित करने वाले वस्तु को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग इस तरीके से बोल देते हैं कि विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया में प्रेरक वस्तु, ये प्रेरक है, प्रेरित कौन हो रहा है, तो प्रेरक वस्तु के आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके कारण से इस पर आवेश आया था, मतलब ये जो वस्तु प्रेरित हो रही है इस पर आने वाले आवेश का मान यानी कि प्रेरित आवेश का मान प्रेरक आवेश के मान से ज्यादा नहीं हो सकता। तो प्रेरित आवेश का मान प्रेरक आवेश के मान से अधिक नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, चालकों के केस में बराबर होता है, चालकों में तो बराबर आवेश प्रेरित होता है और कुछ चालकों में कम आवेश प्रेरित होता है।